जोन फोर की एलसीबी की टीम को बात में मिली कि दो आदमी प्रशांत जयराम प्रजापति और बिट्टू कुमार सुबोध पांडे, ये दोनों एक स्प्लेंडर लेके अठवा पुलिस स्टेशन की हद में गांधी स्मृति भवन के सामने कदम भवन के पास से निकलने वाले हैं और ये कादरसा की नाल के पास में किसी को एमडी ड्रग की सप्लाई करने वाले हैं। तो इस पे पुलिस स्टेशन की टीम के साथ में वहाँ पे सभी स्टाफ को लगाया गया और इन दोनों को वहाँ पे डिटेन किया गया। बाद में सरकारी पंचों के सामने और एफएसएल की टीम बुलाई गई इनकी जड़ती तपास में। इनसे 100 ग्राम एमडी जो है वो बरामद हुआ, जिसकी पुष्टि एफएसएल ने वहीं पे ही टेस्ट करके की कि ये एमडी है। इसकी कुल कीमत 10,06,000 रुपये है। तो दोनों ये बिट्टू कुमार सुबोध पांडे, ये वड़ोदगाम पांडेसरा में रहता है और मूल रूप से औरंगाबाद बिहार का है, और दूसरा आरोपी प्रशांत जयराम प्रजापति ये गणेश नगर पांडेसरा में रहता है और मूल रूप से ये वांदा यूपी का है। ये दोनों के पास से 100 ग्राम एमडी बरामद हुआ। तो दोनों को पुलिस कस्टडी में लिया गया है और पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि ये जो ड्रग्स है वो जितेश उर्फे पंडित, ये गणेश नगर वड़ोदगाम में रहता है और मूल रूप से ये शहडोल मध्य प्रदेश का रहने वाला है, उसके पास से ये ड्रग्स लिया था। और ये कादरसा के नाल के पास में उस जितेश ने इनको बताया था कि एक आदमी आएगा, वो तुमसे ड्रग रिसीव कर लेगा, जब तुम वहाँ पहुँचो तो मुझे जान कर देना। तो ये लोग वहाँ जा रहे थे, रास्ते में पुलिस ने इनको पकड़ के और ये दोनों को अभी अरेस्ट किया गया और आगे की कार्यवाही चालू है। इनकी गुनाहित हिस्ट्री नहीं है दोनों की, और अभी बाकी की पूछताछ चालू है कि ये पहले कहीं ड्रग्स इन्होंने सप्लाई किए, कितने टाइम से ये काम कर रहे हैं, इसकी पूछताछ इनसे चालू है। हाँ, ये दोनों कोई काम नहीं करते हैं, छुटक मजदूरी करने वाले हैं। अभी तक पूछताछ चल रही है उनकी, सामने जो भी चीज़ें आएंगी फर्दर इन्वेस्टिगेशन में वो आपको शेयर करेंगे।